वेलकम बैक। और बढ़ते हैं अपने अगले हार्ट इस पार्ट की ओर। दो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे मैं कवर करने जा रहा हूँ, और सवाल बहुत आए हैं नीट में, इससे अक्सर पूछा जाता है। दो पार्ट यहाँ पे जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, एक का नाम है यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और दूसरा जो है वो है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। और दो और सवाल जो है यहाँ पे मैं कवर करूँगा, अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पार्ट पे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि किसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ध्यान से आप सुनेंगे, फुली डेवलप फीटस, फुली डेवलप फीटस ये है जो कि फुल टर्म है। अच्छा, फुल टर्म का मतलब यह है कि जिसने अपना प्रॉपर जो जेस्टेशन एज है उसको कंप्लीट किया है। तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, ध्यान से सुनेंगे, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से, जो यूटरस का जो मायोमेट्रियम है उसमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दोबारा आप सुन लें, यही की पॉइंट है इसका, फुली डेवलप फिटस और जो प्लेसेंटा है वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कराता है, और इसी को बोला जाता है, ध्यान से सुनेंगे, इसी को बोला जाता है फीटल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। अच्छा, कैसे ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एक बार ये कराएगा, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, जैसे ही एक बार माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान से जरा सुने, ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये जाएगा, और जो वुड बी मदर है, जो लेडी जो माँ बनने जा रही है, उसके हाइपोथैलमस को जो है वो सिग्नल भेजेगा। उसके बाद से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जैसे काम किया, और उसके बाद से ओटी मींस ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज हो जाएगा। और ऑलरेडी आप जानते हो, और यहाँ पे मैं दोबारा कवर भी करूँगा उसे, ऑक्सीटोसिन के रिलीज होते ही मायोमेट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो कंटेक्टाइल प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ये फिर एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो फर्दर मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाएगा। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वो जाएगा और मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा, और ये तब तक चलता रहेगा, और हर अगला कॉन्ट्रैक्शन पिछले कॉन्ट्रैक्शन से और ज़्यादा जो है वो ताकतवर होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बेबी का एक्सप्लोजन न हो जाए बर्थ कैनाल से। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को मिला करके बोला जाता है बर्थ कैनाल, और इसी एक्सप्लोजन आप बेबी को ही बोला जाता है बेबी बर्थ, या इसी को डिलीवरी ऑफ बेबी कहा जाता है। तो हम कहें कि बताना जरा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन बनाता है, आपका आंसर रहेगा,
आपका आंसर आएगा फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। आंसर याद रखेंगे, कई बार नीट में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट पे आ जाओ और अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है। और ध्यान से जरा सुनना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आपको मालूम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, एक है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसे पिट्रेसिन भी बोला जाता है सिंथेटिक वैसोप्रेसिन को। इधर आ जाएं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंथेटिक जो ऑक्सीटोसिन है उसे पिटोसिन नाम दिया जाता है। वो छोड़ा है, इधर आ जाए, जरा फंक्शन पे आ जाए। इसका काम होता है ऑक्सीटोसिन का स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराना। ये अभी आपने एक्सप्लोजन ऑफ बेबी बेबी बर्थ पढ़ा, ध्यान से जरा सुनना। तो ये जरा देखना, ये ऑक्सीटोसिन जरा देखना मायोमेट्रियम पे, यूट्रस का जो स्मूथ मसल है मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन कराता जाएगा, आपने देखा है कि एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से फिर जो है ऑक्सीटोसिन और बढ़ेगा मैटरनल ब्लड में, वुड बी मदर में, मैटरनल ब्लड में। अगला कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ फिर लगातार जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो बढ़ेगा, बिल्कुल डिट्टो यही ये फिनोमिना। और ये तब तक बढ़ता रहेगा कि जब तक बेबी बर्थ न हो जाए। तो एक काम है कि मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराना बेबी बर्थ के दौरान। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन नाम दिया जाता है। तो हम कहें बताओ बर्थ हार्मोन कौन है, तो आप क्या बताओगे, आप ऑक्सीटोसिन बताओगे। चलें इसके अलावा जरा देखना कहां काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अभी पिछले हार्ट स्पॉट में आपने जो मिल्क पाठ्य पढ़ा था उसमें ये डिट्टो डायग्राम हमने लिया था, यहाँ पे एल्बुलाई के बारे में बताया था। तो ये जरा देखना जो एल्बुलाई है यहाँ पे, इन एल्बुलाई के अराउंड यहाँ पे जो है ये मायो इपिथीलियम है, ये मायो इपिथीलियम है। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि PRL प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में जो है यहाँ पे लैक्टोपोएसिस होता है, मिल्क जो है वो सिंथेसाइज होता है यहाँ से। आपको मालूम है कि मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन कौन है, मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन कौन है, PRL प्रोलैक्टिन जो है वही जो है मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन है। ध्यान से सुनना जरा, ये मायो इपिथीलियल सेल जब प्रेगनेंसी जब है वो कंप्लीट हो जाता है, बेबी बर्थ पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन बेबी बर्थ ही पार्चुरेशन है, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी बर्थ या एक्सप्लोजन ऑफ बेबी जो है वही पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। पार्चुरेशन के बाद जो है वो मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाता है। ध्यान से जरा सुनना, ऑक्सीटोसिन का काम है क्या, ऑक्सीटोसिन का काम है ये जो मायो इपिथीलियल सेल है इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराना। मायो इपिथीलियल सेल के कॉन्ट्रैक्ट होते ही एल्बुलाई में जो मिल्क है ये डक्टल पाथवे से कहां तक पहुंच जाता है, ये इस डक्टल पाथवे से ये निप्पल तक जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद से बेबी जो है इस मिल्क को सक कर लेता है। चला जैसे ही अपने हार्ड पैलेट से, पैलेट की सहायता से बेबी जो है वो निप्पल को प्रेस करेगा। ध्यान से जरा सुनना, एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होगा, दो चीजें होंगी। एक तो जो मैटर्नल जो पिट्यूटरी है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा जो आकर के मायो इपिथीलियल सेल को लगातार कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो निप्पल तक चला आए, उसके बाद बेबी जो है खुद सकर लेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और काम होगा कि इसी दौरान जब बेबी मिल्क को सक कर रहा होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से PRL रिलीज होगा, और ये PRL जो है वो जा करके एल्बुलाई में लगातार जो है वो क्या कराएगा, वो लैक्टोपोएसिस कराएगा। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन तो कहा ही जाता है, इसके अलावा इसको बोला जाता है मिल्क इजेक्टिंग
मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसको नाम दिया जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है। चलें इधर आ जाएं, ये बर्थ हार्मोन है, याद रखेंगे, प्रेगनेंसी नहीं। क्या है प्रेगनेंसी हार्मोन, आप हमें खुद ही बताएं। थैंक यू।